bad night. I've been haunted by the past. लाइट डोम को सेट करते हैं, लेके चलता हूँ आप लोगों को वीडियो की तरफ। दैट्स बेटर, फुल सॉफ्ट और फुल मजे की लाइट आ रही है। ऑलराइट, लाइट को सेट करते हैं यहाँ पे, राइट ऑन माय फेस, रिंग को बड़ा अच्छा लिट करे। ऑलराइट, फाइनली Ali from AW Exotica back with another banger for you guys. काफी अरसा हो गया वीडियो नहीं बनाई, काफी दिन हो गया वीडियो नहीं बनाई। आज मैंने अपना लाइटनिंग सेटअप देखा, उसको एडजस्ट किया है, मेन लाइट ऑन की है, ये मेरे मुंह पे सॉफ्ट सा टच दे रही है। आई हैव अ स्मॉल आरजीबी लाइट राइट हियर व्हिच इज लाइटनिंग दिस पार्ट ऑफ माय फेस। पीछे आपको लोगो नजर आ रहा है और लोगो के साथ दो आपको फेरी लाइट्स नजर आ रही हैं। आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू ट्राई एंड आंसर दैट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सब लोगों के जहन में रहता है कि यार अपने फुटेज को सिनेमैटिक कैसे बनाया जाए, सिनेमैटिक होता क्या है, सिनेमैटिक किस तरह लाना है, सिनेमैटिक इमेज किस तरह बनानी है और क्या किया जाए उसके लिए तो आपकी इमेज लुक्स मोर towards that Hollywood style of filmmaking. However, start karne se pehle, if you guys are new to the channel, do leave a like, do subscribe and turn on those bell notification icons. Agar aap logon ne nahi kiya, that is really going to help this channel a ton. Without any further ado, let's get straight into those tips which I'm going to give you for cinematic footage. To aaj baat karte hain. राइट, लिए चलता हूँ आप लोगों को सिनेमैटिक टिप नंबर वन की तरफ, जो के है हमेशा अपनी शटर स्पीड को अपने फ्रेम रेट से डबल रखना। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, फ्रेम रेट आप यूज़ कर रहे हैं, लेट सपोज मोस्ट सिनेमैटिक फ्रेम रेट जो आजकल हॉलीवुड में यूज़ होता है, वीडियोज़ में यूज़ होता है, दैट इज 24 फ्रेम्स पर सेकेंड, ये हॉलीवुड स्टैंडर्ड है, इसके ऊपर सबसे अमेजिंग सिनेमैटिक फुटेज आता है। तो अगर आप 24 फ्रेम्स पर सेकेंड का फ्रेम रेट यूज़ कर रहे हैं तो योर शटर स्पीड शुड बी 1/50th of a second, और अगर आप 30 फ्रेम्स पर सेकंड के फ्रेम रेट से शूट करें हैं तो योर शटर स्पीड शुड बी 1/60th of a second, एंड अगेन अगर आप 60 फ्रेम्स पर सेकंड के फ्रेम रेट के साथ शूट कर रहे हैं तो योर शटर स्पीड शुड गो टू 120। डबल करने से आपको स्मूथ, अच्छा और सिनेमैटिक फुटेज लगेगा। तो फर्स्ट स्टेप इज टू डबल योर शटर स्पीड दैट ऑफ योर फ्रेम रेट, जो फ्रेम रेट है उससे आपने अपनी शटर स्पीड को डबल रखना है फॉर द बेस्ट लुकिंग सिनेमैटिक फुटेज। अब जब इसी पॉइंट की बात करें तो अब जब आप अपने कैमरे को बाहर लेके जाते हैं ब्राइट सनलाइट, तो अगर आप 30 फ्रेम्स पर सेकंड की के फ्रेम रेट से शूट कर रहे हैं, लेट्स सपोज 60 फ्रेम्स पर सेकंड की के फ्रेम रेट से शूट कर रहे हैं और आप अपने शटर स्पीड को लेकर जाते हैं 1/60th or 1/20th of a second पे, तो बहुत ज्यादा लाइट आपके कैमरे के अंदर आएगी, दैट इज गोइंग टू एट द रिस्क ऑफ ओवर एक्सपोजिंग योर इमेज। तो उस चीज को रिड्यूस करने के लिए आप लोग ND फिल्टर यूज कर सकते हैं, विच इज अ न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर, ये स्टॉप्स के हिसाब से लाइट को डिक्रीज करता है और आपके सेंसर में लाइट आने से, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लाइट आने से रोकता है और आपको अलाउ करेगा कि आप रिक्वायर्ड क्वांटिटी, डबल क्वांटिटी फ्रेम रेट अपने कैमरा सिस्टम के अंदर फीड कर सकें और शूट कर सकें। तो ऑलवेज यूज एन ND फिल्टर अगर आप बाहर शूट कर रहे हैं। रिमेंबर, फर्स्ट टिप वाज यूजिंग डबल शटर स्पीड देन योर फ्रेम रेट फॉर मोर सिनेमैटिक इफेक्ट्स। कमिंग ओवर टू टिप नंबर टू, और टिप नंबर टू है आपके अपने नेटिव कैमरा जो आप यूज कर रहे हैं उसका ISO, विच इज इमेज सेंसिटिविटी ऑफ द सेंसर इनसाइड योर कैमरा। जितना कम ISO रखेंगे आप, उतना ही ज्यादा सिनेमैटिक इफेक्ट और सिनेमैटिक लुक आपका कैमरा आपको प्रोवाइड कर सकेगा, और नेटिव ISO जो कि मोस्ट कैमराज में ISO 100 होता है, दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड द बेस्ट सिनेमैटिक रिजल्ट्स। अगर आप लो लाइट कंडीशन के अंदर शूट कर रहे हैं तो इट बिकम्स फोर्सफुल ऑन योर साइड टू इंक्रीज द ISO, हाउएवर अगर आप ISO इंक्रीज करते हैं और आपका कैमरा के अंदर हाई डायनामिक रेंज की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं है और कैमरा एक मिड रेंज कैमरा है, तो उसके रिजल्ट्स हाई ISO पे अच्छे नहीं आएंगे। हाउएवर अगर आपने शूट करना है लो लाइट एनवायरनमेंट में और इमेज को आपने लेना ही लेना है हर सूरत, तो आप ISO के साथ खेल सकते हैं, यू कैन इंक्रीज द ISO, हाउएवर इट इज गोइंग टू एड ग्रेन टू इट। इसी तरह जब आप ब्राइट डे लाइट कंडीशन के अंदर शूट करते हैं तो यू नीड टू कीप द ISO वेरी लो, बिकॉज लाइट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है एनवायरनमेंट के अंदर और वो बहुत ज्यादा आपके सेंसर को इफेक्ट करेगी, तो उस कंडीशन में यू नीड टू यूज द नेटिव ISO, दैट इज ISO 100, उस पे आपको मोस्ट सिनेमैटिक रिजल्ट मिलेगा। हाउएवर स्टिल अगर लाइट बहुत ज्यादा है, लाइट बहुत ज्यादा ब्लो आउट कर रही है हाईलाइट्स को और चेहरे पे बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो यू कैन प्ले विद योर शटर स्पीड एंड यूज एन ND फिल्टर, जिस तरह मैंने पहले बात की है।
अब आते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। तो टिप नंबर 3 है ऐड मोशन एंड ट्राई टू स्मूथ आउट योर फुटेज। किसी भी बंदे को आप अगर एक जिटरी और इराटिक फुटेज दिखाएंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी प्लीजिंग टू द आई अनलेस इट इज एन एक्शन सीन दैट इज बीइंग शॉट फॉर वो पर्पसफुली इस तरह से शूट किया जा रहा है। अदरवाइज पीपल जनरली प्रेफर स्मूथ एंड स्लो जनरल काम मोशन कैमरा का। तो अगर आपने स्लो स्मूथ मोशन अपने कैमरे से निकालना है, प्रैक्टिस हैंड हेल्ड शॉट्स जितने आप ले सकते हैं, ट्राई टू कीप इट एज स्टेबल एज पॉसिबल। फर्दर स्टेबिलिटी आपको कैमरा के अंदर बिल्ट इन EIS इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन दे सकती है इफ योर कैमरा इज केपेबल ऑफ गिविंग यू दैट। तो कैमरा के अंदर भी देयर आर स्टेबिलाइजेशन फीचर्स अवेलेबल, लेंस के अंदर भी अवेलेबल है। हाउएवर अगर आप समझते हैं कि आपसे बिल्कुल हैंडल नहीं हो पा रहा, तो ट्राई टू गो फॉर अ गिम्बल, और गिम्बल मार्केट में वेरियस प्राइस रेंजेस में अवेलेबल है। ट्राई टू कीप योर फुटेज एज स्मूथ एज पॉसिबल। ट्रांजिशन अगर आप कर रहे हैं, अगर आप मूव कर रहे हैं, डॉली इन कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, जूम इन कर रहे हैं, जूम आउट कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, पैन कर रहे हैं, व्हाटएवर मूवमेंट यू आर डूइंग, ट्राई टू कीप इट एज स्मूथ एज पॉसिबल। दैट्स गोइंग टू गिव यू द बेस्ट सिनेमैटिक रिजल्ट्स इनसाइड योर इमेज। टिप नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो अगर आपको सिनेमैटिक टच चाहिए अपनी वीडियोस के लिए, तो ट्राई टू ऐड मूवमेंट इनसाइड योर शॉट्स। जब आप मूविंग शॉट को इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी ओवरऑल वीडियो प्रोजेक्ट में या जो भी आप शूट कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू ऐड इंटरेस्ट। और जब इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो व्यूअर उस चीज को ज्यादा देखता है, उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है वो चीज। स्टैटिक शॉट्स एट टाइम्स फिल इन करने के लिए या उनकी एक अपनी ग्रेस है। हाउएवर आजकल जितनी यूट्यूब वीडियोज आप देख रहे हैं, जितने यूट्यूबर्स देख रहे हैं, जितनी भी सिनेमैटिक फिल्म्स आप देखते हैं, जितनी हॉलीवुड मूवीज हैं, बॉलीवुड मूवीज हैं, और वेयर एवर दे आर बीइंग मेड, उन मूवीज के अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ मूवमेंट एंड मोशन ऑफ द कैमरा। तो हर शॉट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप अपनी शॉट्स के अंदर मूवमेंट जरूर ऐड करें, ताकि आपको वो सिनेमैटिक फील मिल सके जिसको आप ढूंढ रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द 5th टिप टू मेक योर वीडियोज मोर सिनेमैटिक, एंड दैट इज पोस्ट प्रोसेसिंग और एडिटिंग। अब लोग कैमरा से फुटेज बहुत अच्छा निकाल लेते हैं, शॉट्स भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, स्मूथ भी होता है, स्लो मोशन भी होता है, ISO का ख्याल भी आपने रखा होता है, शटर स्पीड का ख्याल भी रखा होता है, एक्सपोजर भी आपका ठीक होता है, लेकिन आप उसको क्रैप टाइप वीडियो बना देते हैं एडिटिंग के अंदर। तो एडिटिंग इज अ मस्ट। कोई भी एक सॉफ्टवेयर आप एडिटिंग का पकड़ लें, इट कैन बी प्रीमियर, और अगर आप सेलफोन के अंदर एडिट कर रहे हैं, तो देयर आर वेरियस नंबर ऑफ एप्स दैट आर अवेलेबल फॉर द एडिटिंग। उसको मास्टर कर लें, उसके चीते बन जाए, उसकी कलर ग्रेडिंग, उसके साउंड इफेक्ट्स टू मेक द वीडियो मोर इंटरेस्टिंग। द वीडियो इज 50% साउंड एंड 50% ऑफ इट इज द वीडियो इटसेल्फ। तो अगर आपका साउंड डिजाइन खत्म है, तो फिर कोई भी वो वीडियो देखना पसंद नहीं करेगा। इसी तरह कलर ग्रेडिंग आ जाती है, अगर आपने उसको ग्रेड सही से नहीं किया, उसको बहुत ज़्यादा आपने कलर दे दिया है, बहुत कम कलर दे दिया है, या आपके सिनेमैटिक मूवी जो आप बनाना चाह रहे हैं उसकी फील वो कन्वे नहीं कर पा रही कलर ग्रेड, तो फिर उस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एडिटिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग बहुत ज़रूरी है, अच्छे सॉफ्टवेयर पे और टाइम लगा के। एडिट में टाइम लगता है, जितना टाइम आप लगाएंगे, जितना गुड़ डालेंगे, उतना चीज़ मीठी होगी। तो स्पेंड योर टाइम टुवर्ड्स द एडिटिंग प्रोसेस, और इसको जितना सकते हैं वो सीखें। स्किल शेयर इज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। अगर आपने प्रीमियर प्रो, जो कि विंडोज प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इट्स अ वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर विद अमेजिंग ऑप्शंस, वहां से अगर आप इसको सीखें, और देयर आर काउंटलेस नंबर ऑफ ट्यूटोरियल्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब एज वेल, बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो प्रीमियर सिखाते हैं, तो आप वहां से सीखें, इस चीज पे टाइम लगाएं, उसके बाद अपना वीडियो फुटेज अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में लेके और उसको एडिट करें। एंड ट्रस्ट मी, एडिटिंग इज गोइंग टू गिव यू अमेजिंग रिजल्ट्स अगर आप सही तरीके से करें। ऑलराइट गाइस, दीस वर 5 सिनेमैटिक वीडियो टिप्स फॉर यू गाइस, जिनको आप इस्तेमाल करते हुए सिनेमैटिक फुटेज अपने किसी भी कैमरा से निकाल सकते हैं। होप आप लोगों को इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली होगी और पसंद आई होगी। नीचे दिए गए लाइक के बटन को लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज इट्स अ न्यू एंड नेसेंट चैनल, इसको ग्रोथ की जरूरत है। आई विल बी कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ अदर वीडियोस फॉर यू गाइस वेरी सून। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए कोशिश करूंगा कि हफ्ते के अंदर एक बना सकूं और आप लोगों को दिखा सकूं। तो टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज अली फ्रॉम AW Pixorica, signing off for now. Take care. Bye-bye.